हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सिमाला प्रसाद एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और उन्हें आईपीएस बनना ही नहीं था। सिमाला को दरअसल बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। वो स्कूल में भी डांस और एक्टिंग में हमेशा आगे रहती थी। आठ अक्टूबर 1980 को भोपाल में जन्मी सिमाला प्रसाद की शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कोएट स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट फॉर एक्सीलेंस से बीकॉम और बीयू से पीजी करके पीएससी का एग्जाम दिया। इसके बाद सिमाला प्रसाद की पहली पोस्टिंग डीएसपी के तौर पर हुई। नौकरी के दौरान उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी की और पहले प्रयास में ही सफलता मिल गई। आईपीएस बनने के लिए सिमाला ने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी और खुद की मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। सिमाला प्रसाद के पिता डॉक्टर भागीरथ प्रसाद पूर्व आईपीएस और सांसद रहे हैं। वहीं उनकी माँ मेहरुन्निसा परवेज जानी मानी साहित्यकार हैं, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। सिमाला से अपराधी खौफ खाते हैं। उस वक्त सिमाला खूब सुर्खियों में थीं, जब उन्होंने मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक एसपी के तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी धमक जमा दी थी। सिमाला प्रसाद फिलहाल मध्य प्रदेश के बैतूल में एसपी के पद पर कार्यरत हैं। सिमाला प्रसाद का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन घर के माहौल ने उनके अंदर आईपीएस बनने की चाहत जगाई। दिल्ली में एक प्रोग्राम में डायरेक्टर जैगम इमाम की सिमाला से मुलाकात हुई। सिमाला की सादगी और खूबसूरती देखकर जैगम ने उन्हें अपनी फिल्म अलिफ की स्क्रिप्ट सुनाई और रोल के लिए ऑफर कर दिया। इसके बाद सिमाला ने फिल्म अलिफ से फिल्मों में डेब्यू किया। ये फिल्म नवंबर 2016 में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ क्वींसलैंड में बतौर वर्ल्ड प्रीमियर प्रदर्शित हुई और फरवरी 2017 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में आई फिल्म नक्काश में पत्रकार के रोल को निभाया। कोरोना महामारी के बीच उनकी एक कविता भी मैं खाकी हूँ काफी वायरल हुई थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर उनके और पुलिस के जज्बे को काफी सराहा गया था।